नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें, जैकलिन फर्नांडिस को लेकर सुशांत केस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, जैकलिन फर्नांडिस ने सुशांत सिंह राजपूत को कर लिया है याद। जैकलिन फर्नांडिस ने सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना ही चाहिए और वो न्याय को डिजर्व करते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने बेहद ही कम टाइम बॉलीवुड में ना सिर्फ तमाम बड़े डायरेक्टर बल्कि तमाम एक्टर और एक्ट्रेस के दिलों पर राज किया। सुशांत सिंह राजपूत बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बावजूद जब भी फिल्मों की शूटिंग होती है और जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का काम याद आता है किसी को भी, तो तुरंत ही सबके आंखों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मात्र कुछ ही सालों में सबके चहेते बन चुके थे। और ऐसा ही दोस्तों बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ हुआ है। दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और उनकी आंखों से भी आंसू छलक गया। बता दें, अपनी फिल्म ड्राइव की रिलीज के एक साल बाद अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने अपने दिव्यंगत सह कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और उम्मीद जताई कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे उनके दिलों में। साथ ही अभिनेत्री ने फिल्म निर्देशक तरुण मन सुखानी द्वारा अपने इंस्टाग्राम कहानी पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा ड्राइव एक पूर्ण वर्ष। एक अन्य कहानी में उन्होंने अपनी फिल्म के अभिनेता के साथ एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा था, काश वो अभी भी हमारे साथ होते, हम आपके होते। एक कहानी में उन्होंने फिल्म के गाने मखाना से एक लघु वीडियो को फिर से साझा किया जो एक प्रशंसक के खाते द्वारा साझा किया गया था। साथ ही जैकलिन फर्नांडिस का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को अभी भी न्याय नहीं मिला है, जो कि ये दर्शाता है कि हम लोग अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला तो ये रियल में ही एक बेहद ही शर्मनाक घटना होगी हम सभी देशवासियों के लिए, और कोशिश करनी चाहिए सीबीआई को कि जल्द से जल्द इस केस में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो कि ताक लगाए बैठे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, तो उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। जैकलिन का तो ये तक कहना है कि जिन लोगों ने भी इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसी भी तरह से उनको परेशान किया, फिर वो चाहे नेपोटिज्म हो या फिर ड्रग्स का मामला हो या फिर किसी ने जानबूझकर के सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस घटना को अंजाम दिया, उस हर किसी को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए और साथ कोई भी मुजरिम इसमें बचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, साफ है कि जैकलिन फर्नांडिस जिस तरह से कह रही हैं उससे पता चलता है कि जैकलिन फर्नांडिस को वहीं बहुत ज्यादा दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, और इसी वजह से जैकलिन फर्नांडिस सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए रोने लग गई। बता दें, तरुण ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ड्राइव को रिलीज हुए एक साल हो चुका है और ये सुशांत के बिना नहीं मनाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हर फिल्म की एक रिलीज पे पार्टी होती है, लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस फिल्म के तमाम एक्ट्रेस के साथ है ही नहीं और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, इस वजह से इस फिल्म के लिए किसी भी तरह की कोई पार्टी या फिर सेलिब्रेशन नहीं मनाया जा रहा है। ड्राइव कुछ अद्भुत यादों से भरा था और अविश्वसनीय अनुभवों के साथ बह निकला था। इसके लिए बहुत सारे लोगों का धन्यवाद भी उन्होंने किया है। सब कुछ वे इस फिल्म को बनाने के लिए करते हैं और कुछ अन्य चीजों के बारे में सिखाने के लिए। मेरी ड्राइव फैमिली को हैप्पी एनिवर्सरी। तो दोस्तों, जहां ड्राइव फिल्म को एक साल हो गया और अब फाइनली इस फिल्म को देखने के बाद तमाम लोग सुशांत सिंह राजपूत की एक झलक को एक बार फिर से देख पाएंगे, लेकिन बावजूद इसके सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच अब वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो इस दुनिया से हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के कातिल बिल्कुल खुले में घूम रहे हैं और अभी भी सीबीआई के हाथ उन तक नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई कब तक इस केस में कामयाबी हासिल करती है। बता दें कि सीबीआई ने अपडेट दिया और सीबीआई ने कहा है कि वो बहुत जल्द एक बार फिर से इस केस में सेकंड राउंड की जांच करेंगे और वो बहुत जल्द उन तमाम लोगों को ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस घटना को अंजाम दिया। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको आखिर किस पर शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसने ऐसा कुछ किया होगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।